स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी के शुभ अवसर पर कन्या पूजन किया। पत्नी सुधा गुप्ता के संग अपने कदमा स्थित आवास पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सर्वप्रथम नौ कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया। कन्याओं की पूजा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि महानवमी के इस शुभ दिन पर छोटी छोटी देवियों के श्री चरणों से आशीर्वाद लिया, जिन्होंने मेरे मन को खुशियों से भर दिया। उन्होंने कहा कि बेटियां सुख समृद्धि और प्रगति का आधार हैं। उनकी पूजा सर्वोत्तम पूजा है। बेटियों से ही संसार बढ़ता है। समाज में बेटी का सम्मान सर्वोपरि है। बेटियों की सेवा से ही माँ की सच्ची पूजा है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया। के मोड का दिन नहीं है, लेकिन हाँ, झारखंड की उन्नति समृद्धि हो, शक्ति की देवी माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं। और माँ ने खुद ही इतना दे दिया है कि मांगने की आवश्यकता नहीं है। माँ खुद जानती है कि बच्चे को क्या जरूरत है, इसलिए आज का दिन जो है पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल है। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को इस पवित्र पूजा की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और यह असत्य पर सत्य की विजय का पर्व भी मनाया जाता है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी लोगों के उन्नत और समृद्ध भविष्य की कामना करता हूँ। वहीं इस खास मौके पर ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने भी कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही सभी को नवरात्रि की महानवमी की बधाई देते हुए कहा कि माता कल्याण करते हुए संसार के सभी लोगों का दुख हरें। आद्या मंदिर में भी प्रत्येक वर्ष, वो भी बहुत पुराना मंदिर है, और आद्या मंदिर में प्रत्येक वर्ष वहाँ भी कन्या पूजा के माध्यम से नारी शक्ति और बच्चों को सम्मान करने का संदेश दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष मैं आद्या मंदिर में भी जाता हूँ और वहाँ भी कन्या पूजा में भाग लेती हूँ। तो आज इस नवरात्र के नौमी पर्व के अवसर पर समस्त झारखंडवासी देशवासियों का कल्याण है के साथ साथ हर परिवार में सुखी संपन्न है। और इस नवरात्र में जो हमने शक्ति का संचय किया, क्योंकि ये शक्ति का उपासना का मन, जो भी शक्ति अपने समाज के साथ हमारा झारखंड राज्य, हमारा देश विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, इसके लिए हम सब एकता, सद्भावना और सामाजिक समरसता के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा का पर्व मनाएं। बता दें कि शारदीय नवरात्रि के दौरान पूरे नौ दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। महानवमी के दिन कुंवारी कन्याओं की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि कन्या में माता का स्वरूप निवास करता है और कन्या की पूजा करने से मन प्रसन्न होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।